Welcome students on my YouTube channel. Please subscribe the channel and press the bell icon so you can get a notification of my new video. Good morning everyone. इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दीज फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में ए और बी टू पार्ट्स दे रखे हैं जिनमें फिगर्स दे रखी हैं, हमें इन फिगर्स का पेरीमीटर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए में एक फिगर है, इस फिगर का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। फिगर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए फिगर्स की साइड को हम इंग्लिश अल्फाबेट के द्वारा नेम प्रोवाइड करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो सभी साइडों को इंग्लिश अल्फाबेट के द्वारा नेम प्रोवाइड कर दिए हैं। अब हम इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर ऑफ फिगर इक्वल सम ऑफ ऑल साइड, फिगर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम सभी साइडों का सम करेंगे। साइड कौन कौन सी है हमारे पास, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच ए। ये सभी साइड हैं इस फिगर में है, इन सभी का हम ऐड करेंगे। ए बी की जो लेंथ है 7 मीटर 7 प्लस बी सी की जो लेंथ है 1 मीटर प्लस सी डी की जो लेंथ है 2 मीटर प्लस डी ई की जो लेंथ है 4 मीटर ई एफ की जो लेंथ है 3 मीटर एफ जी की जो लेंथ है 4 मीटर जी एच की जो लेंथ है 2 मीटर एंड एच ए की लेंथ है 1 मीटर। इन सभी को ऐड करेंगे, 7 + 1 = 8, 8 + 2 = 10, 10 + 4 = 14, 14 + 3 = 17, 17 + 4 = 21, 21 + 2 = 23, 23 + 1 = 24 24 मीटर। तो इस फिगर का जो पेरीमीटर है 24 मीटर। कम टू द नेक्स्ट, बी पार्ट इज बी में जो फिगर है इस फिगर का भी हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। और पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले फिगर्स की जो साइड हैं उनको इंग्लिश अल्फाबेट के द्वारा नेम प्रोवाइड करते हैं।
ए बी सी डी ई एफ। इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं। पेरीमीटर ऑफ फिगर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, मीन्स सभी साइडों का हमें इसमें सम करना है, ऐड करना है। तो साइड कौन कौन सी है हमारे पास? साइड है ए बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए। ए बी की जो लेंथ है 4 मीटर प्लस बी सी की जो लेंथ है 4 मीटर प्लस सी डी, सी डी की जो लेंथ है 3 मीटर, डी ई की लेंथ है 1 मीटर, ई एफ की लेंथ है 1 मीटर एंड एफ ए की लेंथ है 3 मीटर। इन सभी को ऐड करेंगे, 4 + 4 = 8, 8 + 3 = 11, 11 + 1 = 12, 12 + 1 = 13, 13 + 3 = 16, 16 मीटर। इस फिगर का पेरीमीटर है 16 मीटर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द लेंथ ऑफ द मिसिंग साइड्स इन ईच फिगर, द पेरीमीटर ऑफ ईच फिगर इज रिटन इन साइड इट। क्वेश्चन नंबर 4 में दी गई फिगर्स की मिसिंग साइड को हमें फाइंड करना है। फिगर्स का पेरीमीटर उस फिगर के अंदर लिखा हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ए, जिसमें एक फिगर दे रखी है ट्रायंगल, इसका पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर। इस फिगर के अंदर राइट डाउन है। इसकी टू साइड 10 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर दी गई हैं। थर्ड साइड इसकी मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, मींस इस साइड को हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट ए में जो फिगर दे रखी है वह एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल की टू साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर दे रखी है। थर्ड साइड जो है उसको हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल की साइड को इंग्लिश अल्फाबेट के द्वारा नेम प्रोवाइड करते हैं, ए बी एंड सी। ए में पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की जो साइड है ए बी बी सी और सी ए, इसमें दो साइड आपको दी गई हैं। थर्ड साइड आपको फाइंड करनी है, मींस ए बी आपको फाइंड करनी है। ए बी फाइंड करने के लिए हम पेरीमीटर में से ट्रायंगल की जो दो साइड दे रखी हैं उनको हम माइनस कर देंगे। तो आपको ए बी फाइंड करनी है। बी सी की जो लेंथ दे रखी है वह आपको 11 सेंटीमीटर और सी ए की जो लेंथ है वह आपकी 10 सेंटीमीटर। ए बी फाइंड करनी है। ए बी इक्वल टू
पेरीमीटर में से बाकी की जो दो साइड हैं BC और CA, इन दोनों को माइनस कर देंगे। BC माइनस CA, पेरीमीटर है आपका 30, BC 11, CA 10। थर्टी में से 11 को माइनस किया 19, माइनस पहले इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस 10 ए बी। 19 में से 10 माइनस हुआ 9 सेंटीमीटर। तो ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर। पार्ट बी में जो पेरीमीटर दे रखा है फिगर का वह है आपका 28 सेंटीमीटर। इस फिगर की हमें फोर साइड को फाइंड करना है। इस फिगर की साइड्स को नेम प्रोवाइड करते हैं, ए बी, बी सी डी। तो इसमें हमें फाइंड करना है ए बी, पेरीमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर, ए बी हमें फाइंड करनी है, बी सी की जो लेंथ है 9 सेंटीमीटर, सी डी की लेंथ है 8 सेंटीमीटर एंड डी ए की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। साइड ए बी की लेंथ फाइंड करने के लिए हम पेरीमीटर में से जो अदर साइड हैं उनको माइनस कर देंगे। ए बी इक्वल टू पेरीमीटर, पेरीमीटर में से जो अदर साइड है बी सी, सी डी और डी ए, इनको माइनस कर देंगे। माइनस बी सी, माइनस सी डी, माइनस डी ए इक्वल, पेरीमीटर कितना था 28 सेंटीमीटर, माइनस बी सी की जो लेंथ है 9, माइनस सी डी, सी डी की लेंथ है 8, माइनस डी ए की लेंथ है 4। ट्वेंटी एट में से 9 को माइनस करेंगे सबसे पहले, तो 28 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 19, माइनस 8, माइनस 4, ए बी इक्वल टू 19 में से 8 को माइनस करेंगे 11, माइनस 4, ए बी इक्वल 11 में से 4 को माइनस करेंगे 7 सेंटीमीटर। इस फिगर की जो मिसिंग साइड है ए बी उसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी, इसमें जो पेरीमीटर है 49 सेंटीमीटर। इस फिगर की साइड्स हैं 28 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और ये वाली साइड आप मिसिंग है जिसको हमें फाइंड करना है। तो साइड को फाइंड करने के लिए सबसे पहले फिगर्स की जो साइड है उनको नेम प्रोवाइड करते हैं, ए बी सी डी। तो फिगर का पेरीमीटर है, पेरीमीटर इक्वल टू 49 सेंटीमीटर। साइड्स हैं ए बी, ए बी की लेंथ है
28 सेंटीमीटर, BC की लेंथ है 7 सेंटीमीटर, CD की लेंथ हमें फाइंड करनी है क्वेश्चन मार्क, एंड DA की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। तो साइड को फाइंड करने के लिए हम पेरीमीटर में से जो फिगर की अदर साइड हैं उनको माइनस कर देंगे। तो हमें साइड फाइंड करनी है, CD इक्वल टू पेरीमीटर माइनस, कौन कौन सी साइड माइनस करनी है, AB माइनस BC माइनस AD इक्वल पेरीमीटर है 49 माइनस AB की लेंथ है 28 माइनस BC की लेंथ है 7 माइनस AD या DA की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। इसको हम DA या AD दोनों लिख सकते हैं, इसको हम यहां DA कर लेते हैं, DA DA इक्वल 49 में से 28 को माइनस करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां बचेगा 21 माइनस 7 माइनस 7। अब 21 में से 7 को माइनस करेंगे, 14 माइनस 7, अब 14 में 7 को माइनस करेंगे 7 सेंटीमीटर। तो CD की जो लेंथ है वह आ गई 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, टीना वांट्स टू पुट लेस ऑन ए पीस ऑफ क्लॉथ 50 सेंटीमीटर इन लेंथ 25 सेंटीमीटर इन ब्रेथ, हाउ मच लेस विल सी नीड टू पुट अराउंड इट। टीना एक कपड़े के चारों तरफ लेस लगाना चाहती है जिसकी लंबाई है लेंथ 50 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 25 सेंटीमीटर। तो टीना को कितनी लेस की जरूरत होगी ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। जो कपड़े की लेंथ थी वो कितनी थी, 50 सेंटीमीटर। लेंथ 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ कपड़े की ब्रेथ थी 25 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था कि इस कपड़े के चारों तरफ यदि लेस लगाई जाती है तो टीना को कितनी लेस की जरूरत होगी। तो इसके लिए हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला पुट करेंगे रेक्टेंगल का, क्योंकि इसकी शेप एक रेक्टेंगल की है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल फॉर लेंथ, लेंथ हमारे पास 50, प्लस ब्रेथ, बी फॉर ब्रेथ, ब्रेथ हमारे पास 25, इक्वल 2 इंटू 50 प्लस 25 करेंगे 75, और 75 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो टीना को 150 सेंटीमीटर लेस की जरूरत होगी कपड़े के चारों तरफ लेस लगाने के लिए।
Come to the next question, question number 6. Question number 6 is, find the perimeter of a triangular park of side 2 meter, 1 meter and 3 meter. Question number 6 में एक triangular park की side हमें दे रखी है 2 meter, 1 meter and 3 meter. इस triangular park का हमें perimeter find करना है. Question number 6 में एक triangular park है जिसकी एक side है 3 meter, दूसरी साइड है 1 मीटर और थर्ड साइड है 2 मीटर. इस ट्रायंगुलर पार्क का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है और पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसकी साइड को अल्फाबेट के द्वारा नेम प्रोवाइड करते हैं, ए बी एंड सी. ए बी की जो लेंथ है 3 मीटर, बी सी की लेंथ है 1 मीटर एंड सी ए की लेंथ है 2 मीटर. पेरीमीटर फाइंड करना है ट्रायंगुलर पार्क का. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर पार्क इक्वल सम ऑफ ऑल साइड. अब इसकी ऑल साइड कौन कौन सी है ट्रायंगुलर की, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ए बी की जो वैल्यू है 3 मीटर प्लस बी सी की वैल्यू है 1 मीटर एंड सी ए की वैल्यू है 2 मीटर. इन सभी को ऐड करेंगे 3 + 1 = 4, 4 + 2 = 6, 6 मीटर. तो ट्रायंगुलर पार्क का जो पेरीमीटर है वह है आपका 6 मीटर. एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो चुकी है. वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.